अशांति सच्ची शांति प्राप्ति करनी है तो काम को मारो, और काम को मारना है तो तीसरे नेत्र से उसको मारा जाता है, क्योंकि काम का स्थान तीसरे नंबर पर आता है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन दो आँखों से वह काम नहीं मरता है, तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। तीसरे नेत्र के द्वारा इस काम को मारा जाता है। अब तीसरा नेत्र क्या है? बोले उस तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं ज्ञान चक्षु, ये जो दो नेत्र है ना, यह तो चर्म चक्षु हैं। इन्हें चर्म चक्षुओं से काम को नहीं मार सकती। काम को मारने के लिए वास्तव में हमको ज्ञान चक्षु चाहिए। तो अब भगवान भोलेनाथ शांत मुद्रा में बैठे हैं काम को मारने के बाद में। अब पार्वती माँ ने देखा, आहा भगवान भोलेनाथ शांत बैठे हैं। अब ये माताएं बड़ी चतुर होती हैं, जब पति शांत रहते हैं थोड़ी मुस्कुराहट होती है तो ये पढ़ लेती हैं। माताएं पति के भावों को पढ़ लेती हैं। अपना कोई डिमांड लेटर रखना होता है तो क्रोध में, जब पति क्रोध में होते हैं ना तब नहीं रखती हैं। देखा पति प्रसन्न मुद्रा में शांत बैठे हैं, सो धीरे से पति के पास में आ गई और पास में आकर के बैठ गई। थोड़ा खोलो इसे बेटा। और वामांग में आकर के बैठ गई और शिव जी की ओर देखने लगी, भगवान भोलेनाथ की तरफ देखने लगी और भगवान को देख करके मुस्कराने लगी और बोली, महाराज तुमसे एक मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ, एक निवेदन है मेरा। हाँ देवी, आप अपना निवेदन करो। क्या निवेदन है? आजकल की कोई माताजी होती तो क्या कहती निवेदन में? बोले महाराज एक 100 लीटर वाला एक सेट मंगाना है। हाँ? अपना कोई ऐसा आभूषण मंगाना होता है। लेकिन माँ पार्वती ने क्या कहा, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। महाराज आप तो जगतपति हो, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, सभी जगह आपकी महिमा है। महाराज मेरे मन में आज भी एक संशय बना हुआ है, और देखो स्वामी पहले मैं पूछती थी आपसे कोई बात तो परीक्षा करने के लिए पूछती थी, लेकिन अब मेरे अंदर परीक्षा का अभाव नहीं है, मेरे अंदर केवल अब जिज्ञासु बनकर के मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बोले क्या? महाराज एक जन्म लेने के बाद में मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ गया, लेकिन अभी मेरा समाधान नहीं हुआ है। भगवान भोलेनाथ बोले क्या संशय तुम्हारा? महाराज ये बताओ, ये जो राम है ये परमात्मा है या साधारण मानव है? ये भगवान है, ब्रह्म है या कोई साधारण नर है, मानव है? ये मेरे मन में संशय बना हुआ है, मेरी संशय का समाधान करो। देखो बहना, यहाँ एक बात समझने की आपको लिए, भाइयों आपके लिए भी समझने की बात है, पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है, आदि शक्ति है। और भगवान राम के बारे में वह नहीं समझ पाई। भगवान भोलेनाथ की पत्नी शक्ति आदि शक्ति राम के बारे में वह नहीं समझ पाई। जब वो आदि शक्ति राम तत्व को नहीं समझ पाई तो एक साधारण मानव राम तत्व को कैसे समझ सकता है? राम तत्व को समझने के लिए पार्वती का यह दूसरा जन्म है। हम एक जन्म में ही राम को समझना चाहते हैं, और एक जन्म ज्यादा नहीं, महाराज एक जन्म की बात चल रही है, 9 दिन में ही समझना चाहते हैं, और 9 दिन में भी पूरा 4 घंटे का समय नहीं देते हैं। बोले जब थोड़ा आरती वारती हो जाएगी, पंडित जी का गला गर्म हो जाएगा, सब बैठ जाएंगे जाकर के, 1-2 घंटे जाकर के हम भी कथा सुन लेंगे, चलो टाइम पास हो जाएगा। अरे राम जी को समझने के लिए
एक जन्म की नहीं कई जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, अर्जुन बहु नाम जन्मना अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, मुझे जानने के लिए मुझे समझने के लिए एक जन्म की यात्रा नहीं अनेक जन्मों की यात्रा करनी पड़ती है। और यह परमात्मा है ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में इनकी बुद्धि बावली क्यों हो गई, यह तो ऐसे रो रहे हैं जैसे कोई कामी पुरुष रो रहा है। यदि ये परमात्मा है और परमात्मा को क्या यह नहीं पता इनकी नारी को कौन चुरा करके ले गया, और ऐसे साधारण पुरुष की तरह ये बावले होकर के रो रहे हैं। और महाराज यदि इनकी मैं ये महिमा सुनती हूँ तो मेरी बुद्धि चकरा जाती है। हाँ आप कहें कि ब्रह्म लीला करने को मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं तो जो ब्रह्म है उसे यह सब करने की क्या जरूरत है, प्रभु मेरे संशय का समाधान करो, आज मैं तुम्हारे सामने अनेक अनेक प्रश्न करना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ बोले क्या प्रश्न, कितने प्रश्न करोगी? सो महाराज मालूम है कितने प्रश्न किए? देखो भागवत कथाएं जगह जगह होती हैं और राम कथा भी जगह जगह होती है, भागवत जी में कितने प्रश्न हैं बताओ? हमने सुना है कि यहाँ तो बहुत भागवत हुई है। मामनचंद जी भागवत जी में कितने प्रश्न हैं? हे भगवान वैसी करामे आजकल नहीं 18,000 तो श्लोक हैं। प्रश्न भागवत जी के अंदर प्रश्न केवल 6 हैं और राम कथा में कितने प्रश्न हैं? 14 है। और वो 14 प्रश्न कौन कौन से हैं, किसने किए हैं? भगवान भोलेनाथ के सामने माँ पार्वती ने प्रश्न किए हैं। मेरा पहला प्रश्न है महाराज, प्रथम सु कारण कहो विचारी, वह ब्रह्म जो है वह निर्गुण है, जो परमात्मा जो ब्रह्म है जो निर्गुण है वह सगुण कैसे बना? उस ब्रह्म जो निर्गुण है उसे सगुण बनने की क्या आन पड़ी, वह सगुण क्यों बने? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, राम की जन्म की कथा मुझे सुनाओ और वह उनके बाल चरित्रों को भी मुझे श्रवण कराओ। तीसरा प्रश्न किया, कहो कथा जानकी विवाही, राम और सीता की विवाह की कथा को सुनाओ। और महाराज राम जी ने राज्य क्यों छोड़ा? और फिर प्रश्न किया, वन में रहकर के भगवान राम ने क्या क्या चरित्र किए और रावण को कैसे मारा है? कहो नाथ जम रावण मारा, कैसे रावण का संहार किया? और फिर इसके बाद में राज बैठ की नी बहुलीला, राज सिंहासन जब प्राप्त हो गया भगवान श्री राम को तो उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, और राम जी जब अपने धाम को गए तो कैसे गए इसके बारे में वर्णन करूं। और महाराज फिर आगे का, भगत ज्ञान वे रागा उन सब वर्णों सहित विभागा। हाँ पुन सब वर्णों सहित विभागा, अलग अलग करके बताओ महाराज, भक्ति के बारे में समझाओ भक्ति किसे कहते हैं, ज्ञान के बारे में बताओ ज्ञान किसे कहते हैं और विज्ञान किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये मानस कोई साधारण पुस्तक नहीं है। मानस यदि समझ में आ गई ना महाराज, इसमें क्या क्या रस है मालूम है? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण जी। 6 शास्त्र आते हैं इसमें, 4 वेदों का निचोड़ है मानस में, 6 शास्त्रों का निचोड़ है, उपनिषदों का निचोड़ है। धन्य है हमारे बाबा तुलसीदास बाबा, धन्य है।
आज भी उनका नाम अमर है, उनकी लेखनी अमर है। आप मानस को समझ लो, और मानस समझने का यह सबसे बड़ा तरीका सरल है जो आप आज कर रहे हो। जब राम कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो साथ में रामायण रामचरित मानस का गुटका हो, आपको यह पता लगता रहेगा राम कथा कहाँ चल रही है, और यह अभ्यास बन जाएगा। अब आपने देखा अध्यापक जब पढ़ाता है तो स्टूडेंट पुस्तक खोल करके बैठा होता है, पुस्तक अध्यापक के पास में भी होती है और अपने जितने स्टूडेंट बैठे हैं अपने अपने हाथ में उनकी पुस्तक होती है। अब ये ग्रंथ यहाँ तो खुला हुआ रखा है मेरे सामने और वही ग्रंथ आपके पास है, तो जब हम चौपाई गुनगुनाते हैं तो आपको गुनगुनानी चाहिए। महाराज भक्ति के बारे में प्रश्न किया, ज्ञान के बारे में प्रश्न किया, विज्ञान के बारे में प्रश्न किया और कहा वैराग्य के बारे में बताओ महाराज, वैराग्य किसे कहते हैं? और जो प्रभु में पूछा नहीं होए सो दयाल राखौ जन गोई, और राम रहस्य अनेका कहौ नाथ अत बिमल विवेका। महाराज जो बात मैंने नहीं पूछी आपसे और उस बात का संबंध प्रभु श्री राम से हो तो प्रभु आप छिपाना मत, बता देना। शंकर भगवान ने ये प्रश्न सुने और प्रश्न सुनते ही अपने नेत्र बंद कर लिए, और नेत्र बंद करने के बाद में भगवान भोलेनाथ भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे हैं, और ध्यान करते 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 भगवान भोलेनाथ के हृदय में भगवान राम की झांकी प्रकट हो गई। अब भगवान शिव ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और तुरंत संभल गए, मन को बाहर निकाला, जो मन अंतर्मुखी हो रहा था उसको बहिर्मुखी किया, फिर संभले क्योंकि कथा सुनानी है ना, किसको? पार्वती को। अब कथा वक्ता यदि अंतर्मुखी मन से कथा सुनाएगा तो सुना नहीं सकता है, बहिर्मुखी मन से कथा सुनानी पड़ेगी वक्ता को, और श्रोता को अंतर्मुखी होकर के कथा सुननी चाहिए, यह नियम है।